एंथिया माता ने लंदन में बताया, फर्रुखाबाद में आपने सुना, कुछ बातों में कंट्रडिक्शन लगा हो, कुछ बातें पूछनी कर रही हो तो बताइए। If you want to ask any questions, you can ask. No. Yes, I have a lot of questions. Yes, one of them is about trance. When I was in the case, always on Thursday, the senior sisters were going into trance, which meant that they would go and meet Brahma Baba in southern region and then bring the message down. जब बीके में थी तो हर गुरुवार को संदेश ही जाके संदेश लाती थी सूक्ष्म वतन में जाके। What do you want to ask? I was told that southern region doesn't exist anymore. सूक्ष्म वतन है ही नहीं अभी बताया गया है, तो फिर वो कैसे जाते थे? जो आत्मा अकाली मौत में शरीर छोड़ देती है वो थोड़े समय के लिए या एवरलास्टिंग के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करती है। द सोल्स हु लिव देयर बॉडी अनटाइमली टेक अ सटल बॉडी फॉर टेम्पररी पीरियड और एवरलास्टिंग पीरियड। वो दूसरों में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है। They enter into other body and play their part. वो उनका अंतःवाहक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उससे पार्ट बजाती है। They have subtle body and they play their role. They play their part. They play their part through that. और वो ही आत्माएं हम बच्चों में भी प्रवेश कर रही है। And these souls enter we souls, we children. तो हमारे दिमाग में जो सूक्ष्म संकल्प चलते हैं उनके साथ मिलकर के हमारे सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया बनती है। जिस सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया में हम बाहर की दुनिया भूल जाते हैं। So the subtle thoughts that come into our mind by combining with those souls, the world of subtle thoughts is created. We forget the outside world in that world of subtle thoughts. स्वरग की दुनिया याद करते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स याद करते हैं और अपनी सेवा के नए नए प्लानिंग्स बनाते हैं, बाहर की दुनिया भूल जाती है, उसी को सूक्ष्म वतन कहते हैं। We remember the heavenly world. We remember the points of knowledge. We make our new plans for service, and the outside world is forgotten. That itself is called the subtle world. Mana, Brahma Baba हैं, विश्वकिशोर भाऊ हैं, मनमोहनी दादी हैं, और चंद्रमणि दादी हैं। जिन्होंने अकाली मौत से शरीर छोड़ा है वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म से हाँ थोड़ा थोड़ा बताओ। दी दादी दादी से जो भी विचार नेम माय बाबा दे आफ्टर लीविंग देयर बॉडीज दे फॉर ए टेम्पररी पीरियड होल्ड द शटिल बॉडी Not temporary, but everlasting. Everlasting? हाँ हाँ हमेशा के लिए उन्होंने धारण कर लिया सूक्ष्म शरीर जब तक स्वर्णम युग है। get into the shuttle body, but everlasting for an everlasting period. और सूक्ष्म शरीर का माना है कि मन की एक स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज। उस मन की सूक्ष्म स्टेज में वो हम बच्चों में प्रवेश कर रही है। हम बच्चों में प्रवेश करके वो हमारे अंदर संकल्प क्रिएट करती है। हाँ
subtle body means there is a subtle stage of mind. In that subtle stage, they enter and create thoughts in children. Adults party. Children in the advance party, हाँ, प्रवेश करती हैं, प्रवेश करके दोनों के संकल्प मिलकर के स्वर्ग के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, सेवा के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, वो सारा मंथन मिलकर के सूक्ष्म दुनिया बनती है. The souls enter the body and their thoughts, both of their thoughts combine together and they make plans for heaven as well as they churn the knowledge together and make plans for service etc. And all this together combines and form a subtle world. हाँ, ये सूक्ष्म बतन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क का सूक्ष्म बतन. और जो हम प्रैक्टिकल एक्ट में आते हैं वो है स्थूल वतन. दिस इज कॉल्ड सटल वर्ल्ड, द सटल वर्ल्ड ऑफ आवर माइंड एंड द एक्ट दैट वी परफॉर्म प्रैक्टिकली दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल. तो उसमें जो आत्माएं स्थूल शरीर छोड़ने वाली हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, मनमोहिनी दादी या मम्मा, ओम राधी मम्मा, वो आत्माएं हमको देखने में नहीं आती. सूक्ष्म शरीर है उनका, लाइट का शरीर है. वो लाइट का शरीर होने के कारण वो इस साकार दुनिया से ऊपर की ओर इस दुनिया में निवास है उनका. द सोल्स हु लिव देयर बॉडी लाइक ब्रह्मा बाबा, मनमोहिनी दादी एंड ओम राधे मम्मा, वी कैनॉट सी दोज सोल्स. देयर सटल बॉडी इज अ बॉडी ऑफ लाइट. दे रिसाइड इन ए वर्ल्ड अबाउट द कॉर्पोरियल वर्ल्ड. जब इस सृष्टि में आती हैं तो हमारे बीज रूप संकल्पों से, बीज रूप आत्माओं से मिक्स होकर के एक हो जाती है. When they come into this world, they mix with the seed-like souls and become one. और उस स्टेज में वो आत्माएं एक तरह से हमारे संकल्पों से संघर्ष भी करती हैं. उनके संकल्प और हमारे संकल्प टकराते भी हैं. And in that stage, those souls clash with our thoughts. That is, their thoughts clash with our thoughts. जब तक उनके संकल्प हमारे संकल्पों से टकराते हैं, एक नहीं बनते हैं, तब तक ये संघर्ष चलता है, चला जा रहा है. BKs और PBKs का. As long as their thoughts clash with our thoughts, the struggle will go on. The struggle between BKs and PBKs. ये जैसे दो पार्टियां हो गई. एक पार्टी वो है जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों की है, एक शरीर साकार शरीर धारण करने वालों की है. साकार शरीर धारण करने वालों के भी सूक्ष्म मन की स्टेज है. मन के सूक्ष्म संकल्प चलते हैं, जिस मन के सूक्ष्म संकल्पों में बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल जाती है. सो देयर आर टू पार्टीज, वन दोस हू हैव सटल बॉडीज एंड द अदर हू हैव प्रैक्टिकल बॉडीज. दे ऑल्सो हैव अ सटल स्टेज ऑफ माइंड वेर इन दे हैव सटल थॉट्स एंड इन दैट सटल स्टेज ऑफ माइंड दे फॉरगेट द आउटसाइड वर्ल्ड. मनन चिंतन मंथन चलता है, नई दुनिया का संकल्प चलता है, नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, वो सब चलता है. उसी को सूक्ष्म स्टेज हम लोगों की कहा जाता है. और वो लोग, उनको चर्निंग करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है. वो जो हम चर्निंग करते हैं वो ही उनकी चर्निंग हो जाती है. हाँ, थोड़ा अनुवाद अनुवाद कर थोड़ा सा. वेर इन द चर्निंग ऑफ नॉलेज टेक प्लेस, the thoughts of new world come into our mind and we plan for the new world. So these thoughts, that is our subtle stage. They need not churn. Our churning itself is their churning of thoughts. अच्छा, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं, वो आत्माएं भावनावादी हैं, बुद्धिवादी नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है.
तो भावनावादी आत्मा होने के कारण उनको साक्षात्कार होते रहे, वो साक्षात्कारों के आधार पर जैसे चलती रहे, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ऐसे ही उनके साक्षात्कार होते रहे। वो साक्षात्कारों की दुनिया में रहने की आदि हो गई है, इसलिए बुद्धिवादी नहीं है। बुद्धिवादी न होने के कारण उनके सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहे हैं, उनको साक्षात्कार के आधार पर बाबा ने उठाया है और हमको बुद्धि के आधार पर उठाया है। बताओ, दो सोल दो सो गोइंग ट्रांस ना, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल सोल्स, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल सोल्स, दैट इज वाई दे वर्क ऑन इमोशनल ग्राउंड एज वेल एज एडवांस पार्टी सोल्स आर ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड, एंड दैट इज वाई बाबा हैज लिफ्टेड देम ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांस, दे गोइंग टू ट्रांस, दैट्स द रीज़न। तो वो भोग लगाते हैं, ध्यान दीदार करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, समझते हैं उधर जा रहा है, लेकिन उधर नहीं जा रहा है, वो सारी इधर की बात है। प्रैक्टिकल में दुनिया है, सूक्ष्म शरीर में कोई दुनिया नहीं है। दे ऑफर भोग एंड दे गो इनटू ट्रांस एंड दे थिंक एवरीथिंग गोज अप, but there is no such thing, everything is here itself in this practical world, there is no subtle world, दोनों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी और सूक्ष्म शरीरधारियों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी वो भी है, एडवांस पार्टी ये भी है, लेकिन वो एडवांस पार्टी है सूक्ष्म शरीरधारियों की और ये एडवांस पार्टी है प्रैक्टिकल साकार शरीरधारियों की। That advanced party is of subtle bodies, containing subtle bodies. Sukshma Sharir. Subtle bodies. They come into contact with seed souls and they act accordingly. Actually, this is the story of this practical world. There is no subtle world anywhere else. Unka emotional ground jab khatam ho jayega, उनकी बुद्धि में भी सारी बात बैठ जाएगी, तो ये सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म वतन ही खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म वतन वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये हमारी भावनाओं की दुनिया है उनकी। दे वर्क ऑन इमोशनल ग्राउंड्स एंड व्हेन दिस इमोशंस आर ओवर एंड दे रिसीव द फुल नॉलेज, द सटल वर्ल्ड विल बी ओवर। एक्चुअली देयर इज नो सटल वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस। हम लोग भावनाओं के आधार पर नहीं चलते हैं, एडवांस पार्टी वाले। एडवांस पर्सन दे डोंट वर्क ऑन इमोशनल ग्राउंड्स, इट्स ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स। वो आत्मा भावनाओं के आधार पर चलती है, भावनाओं के आधार पर चलने के कारण उनको ये सब दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता। इट्स ड्यू टू इमोशंस दे कैन सी ऑल सच थिंग्स, दे कैन नॉट सी सच थिंग्स। हम लोगों में से भी ज्यादा कुछ ऐसे हैं जो इमोशनल भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उनको दोनों बातों में विश्वास हो जाता है। इन एडवांस ऑल्सो द सीड सोल्स आर इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एंड दे बिलीव इन बोथ, दैट इज गोइंग इनटू ट्रांस एज वेल एज दे बिलीव इन नॉलेज ऑल्सो। तो विश्वास हो जाने के कारण वो उस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा सूक्ष्म वतन, लेकिन मुरली में तो बाबा ने यही बोला है सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है। Because they have faith, they believe there is a subtle world. But in Murli, Baba has said there is no such subtle world. सूक्ष्म वतन तब तक ही है जब तक अंदर की भावनाएं क्रिएट हो रही है। As long as the emotions are created, they think there is a subtle world. और ये तो बाबा ने कह दिया सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रहते हैं। Subtle world is for 40 years, they said in the Murli, na? Yes. टोटली जो इमोशनल आत्माएं हैं उनके लिए 36 से लेकर 76 तक का सूक्ष्म वतन है। From 36 to 76, there is a 40 years for subtle world. टोटली इमोशनल आत्माएं हैं। Those who work totally on emotional grounds. हाँ, और जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हैं, उनके लिए 76 से लेकर के प्लस 40 ईयर्स एड।
both emotional as well as intellectual. For them the settled world is from 76 onwards 40 years. जब तक बाबा की साकार में प्रत्यक्षता हो तब तक. Until Baba's revelation takes place in practical. जब तक बाबा की साकार प्रत्यक्षता होती है सन 18 तक तब तक के लिए सूक्ष्म बतन है बस. प्रत्यक्षता हो जाने के बाद सूक्ष्म बतन खत्म. Until Baba is revealed in practical, there will be subtle world. Once Baba is revealed, the subtle world will be over. हाँ. और 2016 or 17. Oh, yes. When we then there will be no settled world. Yes. Okay. I'd like to know also about, it's not strictly connected with Gyan, about healing. What is it? Healing. You know, when you have healers that go and heal people who are sick, How does it work? Is it possible? I mean, it is possible because it happens, but how does it work? And is it just the person who is getting better, or is it really the person who is giving healing? Healing through what? Anything. I mean, they heal through hands, through touch, through whatever. It's not very popular here, is it? No. It's very popular in the West. That you go to the healer and they sort of, you know, like put hands. Touching. जैसे विदेश में करते हैं ना, हीलिंग करते हैं. हाँ. ऐसे टच करके या रेकी वगैरह ऐसे करते हैं बीमारी को. हाँ. तो यहाँ कैसे है ज्ञान की? हम आँखों से देख रहे हैं, ये भी हीलिंग है. संकल्प चला रहे हैं, हमारे संकल्पों में जितनी पावर होगी उतना हमारी संकल्पों का हीलिंग काम करेगा. ये हाथों से भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये भी हीलिंग का काम करते हैं. आंखें भी हीलिंग का काम करती हैं. शरीर से शरीर टच होता है, उसमें भी वाइब्रेशन काम करते हैं. इट्स थ्रू अ वाइब्रेशंस ऑफ थ्रू द आईज हैंड्स टचिंग द बॉडी. सो इट इज पॉसिबल. पॉसिबल. सो देयर आर पीपल एज अ वेरी पर्टिकुलरली प्योर सोल्स और प्योर सोल्स और न्यू सोल्स और दोस पीपल हैव गुड थॉट्स अबाउट पॉजिटिव थॉट्स. इसमें भी बाबा की याद अगर ऐड हो जाए तो और अच्छी हीलिंग हो सकती. इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा इफ यू हील अ पर्सन इट विल वर्क बेटर. एट द लास्ट टाइम जब दुनिया का विनाश होगा तो उस समय ये हीलिंग ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा. कोई दवाई काम नहीं आएगी, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटल काम नहीं आएगा. During destruction last moment. In the end. This healing itself can help because the doctors and all will want to help you. This healing itself will help you. Just you were in soul consciousness. Uh-huh. Yes, soul consciousness state. बाबा जो दृष्टि देते, ब्रह्मा बाबा जो दृष्टि देते, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू जो भी दृष्टि देते हैं वो भी हीलिंग है. The दृष्टि that you get from बाबा, from ब्रह्मा बाबा and from शिव बाबा through ब्रह्मा, that is also healing. I don't know. I mean, this is personal. Personal question, puch sakte hain. Personal question hai unka. Personal question. हाँ, वो बाद में. बाद में हम तीनों लोग मिलकर के क्लियर. Personal questions you can ask after. Okay. हाँ. It's also about churning. When we churn knowledge, isn't it that we add our own interpretation to it? जब मनन चिंतन करते हैं तो हम अपना खुद का ये लगाते हैं ना. वेरीफाई करना चाहिए बाबा से. हाँ, बाबा के हेड ऑफिस से. यू टू वेरीफाई फ्रॉम हेड ऑफिस और फ्रॉम Yes, maybe ask you how to verify. Yes, okay.
Okay. And also, is it okay to talk to BKs about detailed advanced knowledge? BK को बता सकते हैं advanced knowledge के बारे में, detail में. अगर हम सुनना चाहते हैं तो बताइए. It's like we got, I got in the, during the party, all those sort of, you know, things about the cycle, about the tree, about the ladder, you know, all everything. जैसे भट्टी में जो नॉलेज मिल गया वो सुना सकते हैं क्या? वो अगर सुनने के इच्छुक हैं तो उन्हें क्यों नहीं बताना चाहिए? If they are ready to listen, they can definitely. It's okay. हाँ. Yes, probably. Yeah. और आप लोग कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनते सुनते थोड़ा दिमाग में बात आती है, ये समझ में नहीं आई, या कुछ क्रॉस क्वेश्चन पैदा होते हैं तो पूछे, वहां जाने के बाद तो फिर आपको कोई बताएगा नहीं. वापस जाएंगे तो पूछेंगे बहन जी क्या देखा क्या सुना. हाँ, ना वो उसके लिए तो आपको लिटरेचर मिला हुआ है, आप अपने साथ वो मिलेगा, वहाँ से लिटरेचर मिलेगा, डीवीडी मिलेंगे, वो डीवीडी ले जाकर के वहाँ सुनिए और रोज सुन करके वहाँ सुनाइए, हिंदी में तो है. मेरे पास थोड़ी छोड़ दी. हाँ, लिटरेचर भी है हिंदी में, वो लिटरेचर ले जाइए, वीसीडीज ले जाइए. बाकी इच्छा सबकी थी कि मिलना है, मतलब बट्ठी करने इसलिए आए स्पेशल. क्यों नहीं मिलना मन से भावना से जो विचार हाँ जी विद्यालय चल रहे थे. हाँ, बट्ठी करके आए, बाबा से मिलकर आए. बिल्कुल बिल्कुल, मिलन हो गया, बहुत खुशी हो गई. देखो के दो देखो ये जो आत्मा जाती है यहाँ से भी छोड़ के वो वापिस यहाँ पे आकर रजिस्ट्री करती. जो आत्मा सही छोड़ती है हाँ वो जाती है, मैं सही छोड़ के चली गई. हाँ, फिर वो वापिस लौट के जाती कहीं नहीं है. जो आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उनके संस्कारों के अनुसार बॉडी तैयार होता है दूसरी जगह गर्भ में. उस बॉडी में वो आत्मा 4 महीने पूरे होने के बाद प्रवेश कर जाती है, कहीं नहीं जाती है, उधर ही जाना है उसको. वो तो दूसरे में जाके वो हाँ आत्मा जाके अटेंड हो गई, प्रवेश करती है. हाँ जी, लेती है. हाँ, उसी में जाएगी. मान ली. हाँ, तो वो फिर उनके घर में वापस क्यों आती है, उनसे क्यों वो मांगती है? नहीं नहीं, ये भी मन के सूक्ष्म संकल्पों की तीव्रता है. जैसे 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 छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कभी बहुत बिल्कुल छोटा शिशु जो बोलता भी नहीं है, वो कभी हंसता है, कभी अपने आप रोता है, तो उसका मन जो है पूर्वजन्म में चला जाता है. तो ऐसे ही ये पूर्वजन्म की स्मृति मात्र है. वो टोटली वो आत्मा टोटली पूर्वजन्म में चली जाती है, चली जाती है और अपना कार्य करती है. सही मिलने के बाद. हाँ, सही मिलने के बाद. सभी मिलने के बाद वो आ सकती है क्या? आ सकती है. अभी ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को भी तो शरीर मिला हुआ है. अच्छा, लेकिन हम बच्चों का शरीर मिला हुआ है. ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा है, वो ज्ञान चंद्रमा शंकर में प्रवेश है, उनको शरीर मिला हुआ है परमानेंट, लेकिन वो पूर्व जन्मों की स्मृति में ब्रह्म कुमारियों के पास चले जाते हैं, गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं. हाँ, गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं. बिना वाहन आ जाते हैं तो वो बिना वाहन भी आ जाते हैं. वो लालन के संस्कार के अनुसार. हाँ, लालन के जो संस्कार है, तो आत्मा जो एक ही होती है, तो वो कौन चीज होती है? वो आती है, वो एक ही आत्मा है. कभी सूक्ष्म शरीर धारण करके जाती है गुलजार दादी में, और जब हम बच्चों में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज हो जाती है. हम बच्चे हैं बीज सारी दुनिया के. हम तो टोटल इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिवादी हैं.
हम बच्चे बुद्धिवादी है, वो बुद्धिवादी नहीं है। जिनकी भावना होती है वो भावना के अनुसार, भावना के आधार पर चले जाते हैं। जो भावना नहीं रखते हैं जैसे जैसे कोई ज्ञान, वो तो आत्मा एक ही होती है शरीर के अंदर, तो आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर तो तीन है। एक तो बिंदु रूप आत्मा, ये एक बिंदु रूप आत्मा, बीज रूप शरीर, कारण शरीर कहते हैं उसको संस्कृत में, और एक है सूक्ष्म शरीर, मन के संकल्प चल रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। रात में सोते हैं हम, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, शरीर तो जिंदा है ना, शरीर पड़ा हुआ है, तो वो सूक्ष्म शरीर घूमता है। और तीसरा ये स्थूल शरीर है, तो वो जो ब्रह्मा बाबा की सोल है वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है तो बीज रूप बन जाती है, और जब बीज रूप स्टेज उनकी टूटती है तो वहाँ खींचती है, तो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर जाते हैं, उनका चेहरा मोरा बदल जाता है। बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं, चेहरा मोरा कुछ नहीं बदलता, जैसे शिव बाबा है बीज रूप है और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो उनका कोई चेहरा मोरा नहीं बदलता था, जैसे सब ओरिजिनल वैसे वही वाणी हुई। बाबा अंधी दर में झटका आता है, आदमी को झटका आता है, कोई भी मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीरधारी तो वो उसको धक्का लगता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म शरीरधारी में। तो सूक्ष्म जो आत्मा है, जो सूक्ष्म आती है ना, हाँ, तो धक्का तो सही बात है, धक्का तो ताकत होती है ना, ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म में, ज्यादा ताकत। वो आत्मा वैसे कहाँ रहती है या वो इतने उसी टाइम सूक्ष्म मन के संकल्प वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का संगठन है, वो वायुमंडल का एक संगठन है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। संकल्पों के साथ वो वाइब्रेशन के साथ वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं संकल्प। तो आत्मा जो चली जाती है वो वापिस आती है, वो संकल्प आते हैं क्या? वो आत्मा भी आती है, लेकिन आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर, जैसे अभी हमारा ये सारे शरीर है, आत्मा तो यहाँ है, लेकिन उंगली काट दें तो उंगली फड़केगी ना, आत्मा की शक्ति इसमें आई ना, तो ऐसे ही वो आत्मा की शक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ समा जाती है, सारे सूक्ष्म शरीर में वो सारा को सारा सूक्ष्म शरीर गुलजारदादी में प्रवेश करता है, अलग से नहीं है, आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग नहीं हो सकता। हाँ, वो सूक्ष्म होते होते बिंदु बन सकता है, वो हम बच्चों में आत्माएं प्रवेश कर रही है, जो रुद्राक्ष के मन के दिखाए जाते हैं, रुद्राक्ष में कोई एक मुख है, कोई में दो मुख है, कोई में चार मुख है, कोई में आठ मुख है, तो जितनी आत्माएं प्रवेश करती हैं एक आत्मा में उतने मुख दिखाए जाते हैं, तो रुद्राक्ष के हमारे 84 जन्म है ना, तो 84 जन्मों में तो 21 जन्म तो हमारे बिल्कुल आत्मिक स्टेज के हैं, बाकी 63 जन्मों में कहीं किसी धर्म की आत्मा ने प्रवेश किया है, किसी दूसरे धर्म की आत्मा ने दूसरे जन्म में प्रवेश किया है, अगले जन्म में किसी और आत्मा ने प्रवेश किया है, तो हम आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है, कोई कम धर्मों में कन्वर्ट होती है, कोई नहीं होती है, जो नहीं होती है वो असल सूर्यवंशी है, वो अपने धर्म में चले जाते हैं, जो कन्वर्ट होती है प्रभावित होती है, या तो चंद्रवंशी है, या तो इस्लाम वंशी है, या तो बौद्धवंशी है, या और धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है, तो वो उनको मुख दिखाए गए हैं जिनके जिनके प्रभाव में आती रहती है, वो अलग अलग धर्म वाली मुख वाली आत्माएं प्रवेश करती है, अभी भी प्रवेश कर रही है, आगे चल के और ज्यादा प्रवेश करेंगे। वैसे कलयुग में तो वैसे भी ज्यादा है नहीं, क्यों नहीं, अभी अभी अकाले मौतें बढ़नी है या घटनी है? तो ये इतना विनाश होता है, भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर पड़ी, तो कितने मरते हैं, ढेर के ढेर मरते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सूक्ष्म शरीरधारी हम बच्चों में ही प्रवेश करके उनकी सदगति होगी, वो हमारे में प्रवेश करके ज्ञान को समझेंगी, जब तक नहीं समझेंगी तब तक हमसे टकराव करेंगे अंदर ही अंदर, तो बीज रूप आत्मा, तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, और हम पक्के सनातन धर्मी पक्के सूर्यवंशी बन जाएंगे।
नहीं तो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे फिर। योगी जीवन, हाँ योगी जीवन होना चाहिए। तो दूसरी आत्मा जैसे हल्की है कोई भी उसमें आ जाए, आ जाए, आ जाए। जैसे ऐसे भी कोई सन्यासी जो तपस्वी है ध्यानमुक्त करते हैं उनमें आत्मा नहीं प्रवेश होती कोई, वो जो तपस्वी होते हैं, वो जो तपस्वी होते हैं वो भी तो सन्यास धर्म के ही है ना। लेकिन वो अकाली मूर्ति वाली आत्मा उनमें ऐसे सूक्ष्म में नहीं प्रवेश कर सकती है, है? दूसरे ही धर्म के तो है उनमें प्योरिटी पावरफुल का हिसाब से फिर वो नहीं देता फर्क। प्योरिटी वो जानते ही नहीं है प्योरिटी क्या है। वो अगर प्योरिटी जानते होते तो घर घाट छोड़ के जंगल में क्यों जाते। प्योरिटी के लिए जंगल में जाने की जरूरत है। प्योरिटी तो ये है प्रवृत्ति में रहो। जैसे शिव का लिंग पार्वती की योनि के साथ दिखाया गया है, दोनों प्रवृत्ति में है, 24 घंटे प्रवृत्ति में है, लेकिन मन परमधाम में रखा हुआ है। तो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? पक्की प्रवृत्ति वो है। हाँ जी, पक्की प्रवृत्ति है तभी वो सही है। अगर वो निवृत्ति है, लेकिन निवृत्ति में भी अगर उनका पक्का नहीं, शरीर की आसक्ति नहीं आनी चाहिए कर्मों में। अगर कर्मेंद्रियों की आसक्ति आ गई तो वो पक्का योगी नहीं है। आत्म की स्टेज नहीं कही जाएगी, देहभान की स्टेज कही जाएगी। देह का सुख लेने वाला हुआ। अभी बाबा तो हमको लक्ष्य दे रहे हैं, इच्छा मात्रम विद्या, कोई भी इच्छा नहीं, एकदम बिंद रूप स्टेज। जैसे दीपक है, हवा नहीं चल रही है तो एकदम खड़ा हुआ है, है? थोड़ी सी हवा लगेगी तो यूं यूं हिलेगा। तो हमको भी माया की झोंका लगता है तो हमारी आत्मा इधर भागती है, उधर भागती है, पूर्वजन्म में भागती है, तो वो हाँ वो देहवान की स्टेज हो गई है। संगम युग में तो सौभाग्य बनता है। एक युग में ही तो बाबा आकर के हमको जन्म जन्मांतर का भाग्य बांटता है। बांटता क्या है, हम लेते हैं, है? बांटता तो सबको बराबर है। अब कितना साल बाकी रहा है? आए का 100 साल का संगम बताया नहीं आपको? तो पूछते क्यों है? 2036 में तो 500 करोड़ आत्माओं के लिए पूरे होते हैं। अच्छा। हमारी आत्मा तो पहले संपन्न बननी चाहिए। हाँ जी, समय तो आत्मा हमारी संपन्न करे बननी चाहिए, नंबर बार बनेगी। दादी की तरह आते ब्रह्मा तो वो थोड़े समय बाद आना बंद कर देंगे क्या? गुलजार दादी में चंद्रमा एक तरफ अस्त होता है पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी होती है ना, पूरा चंद्रमा होता है, एक तरफ चंद्रमा अस्त होगा, दूसरी तरफ सूर्योदय होगा। सूर्य उदय होगा और चंद्रमा अस्त हो जाएगा, लेकिन तब अस्त होगा जब संपूर्ण चंद्रमा होगा। अभी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा संपूर्ण है या सूक्ष्म शरीरधारी, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधा हुआ है? संपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में संपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर का बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर का बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर का बंधन है या नहीं है? सूक्ष्म शरीर है तो बंधन है, बंधन है ना, तो संपूर्ण नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो बंधन, तो जब तक सूक्ष्म शरीर का बंधन है तब तक अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर सवार है। जब तक उनके मस्तक पर सवार है तब तक शंकर की आत्मा, राम वाली आत्मा कमजोर है और ब्रह्मा वाली आत्मा पावरफुल पड़ जाती है सूक्ष्म शरीर के कारण। सूक्ष्म शरीर वो बैल है ब्रह्मा बाबा, लेकिन जैसे ही शंकर वाली आत्मा अपनी निश्चित स्टेज पे पहुंचेगी, मन रूपी संकल्प जो है, मन बुद्धि रूपी दीपक जो है, हिलेगा नहीं। कैसा भी माया का झोंका आए वो उसके ऊपर हाई जंप लगा के सवार हो जाएगा बैल पर, ब्रह्मा बाबा पर। बस फिर ब्रह्मा बाबा आधीन हो जाएंगे। शंकर को सवारी बता दें बैल पे, बैल के ऊपर सवारी। शिव नहीं करता है बैल के ऊपर सवारी, शिव जानवर में नहीं आता है। शिव तो बुद्धिमान में, मनुष्य में आएगा ना, तो हाँ तो शिव निराकार आता है शंकर मनुष्य में, और शंकर की सवारी है बैल पर।
और ये जो बैल हैं, दुनिया के जानवर हैं, वो आज हमारे ऊपर सवारी किए हुए हैं। जो हम सब बाबा के बच्चे हैं, भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं, उनके ऊपर दुनिया के बैल, दुनिया के जो जानवर हैं, वो आज सवारी कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। तमो दुनिया की तो ऐसे ही है, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, या तो चंद्रवंश की आत्मा है, या तो इस्लाम धर्म की आत्मा है, या तो बौद्ध धर्म की आत्माएं हैं, या तो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मुस्लिम धर्म की आत्मा है, सन्यासियों की आत्माएं हैं, और ये आर्य समाजियों की आत्मा है, या नास्तिकों की आत्मा है, ये सब हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। अभी हमको सिर्फ बाबा का आसर है। वैसे हम मुरली चलाते हो, वैसे वो मुरली शिव बाबा चलाता है। शिव बाबा है। अच्छा। हाँ, मनुष्य आत्मा मुरली नहीं चला सकते। नहीं, मुरली वैसे आप रिपीट करते हो तो वैसे शिव बाबा, हम सब लोग रिपीट करते हैं, तो होगा नहीं आगे है। शिव बाबा तो निराकार आगे, उनके तो मुख है नहीं जो वो चला था। बोलने वाली आत्मा कौन है? बोलने वाली आत्मा तो कोई तो निमित्त बनी होगी। बोलने वाली आत्मा शिव है ना, माध्यम जो स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर में से आवाज आ रही है, तो स्पीकर थोड़े ही बोल रहा है, बोलने वाला कोई दूसरा है। तो ऐसे शिव बोलने वाला है और हम सब तो स्पीकर है। इनका कहने का मतलब है मैन स्पीकर कौन है? मैन स्पीकर जो है वो ही है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ब्रह्मा बाबा बाप नहीं है, माँ है। ब्रह्मा बाबा क्लेरिफिकेशन देने वाला टीचर नहीं है, माँ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, सदगति किसी की नहीं हुई, वो सदगति देने वाला सदगुरु नहीं है। सदगुरु नहीं, सदगुरु साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल जो साकार होगा या निराकार होगा? तो जो शंकर में प्रवेश करते हैं शिव, वो ही लास्ट की स्टेज है सदगुरु। जो सामने आएगा, जो देखेगा, उसकी सदगति, जो मुख से सुनेगा, एक मुख से दो शब्द सुनते ही वो स्वर्गवासी हो जाएगा। लास्ट की स्टेज ऐसी सदगति की स्टेज सदगुरु का, एक सेकंड में सदगति। लंबा लंबा भाषण करने की दरकार नहीं होगी उनको, एक सदगुरु का काम है। हाँ, एक सेकंड की दृष्टि मिली और सदगति हुई। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। वो अभी का गायन नहीं है। अभी तो कितनी देर ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे, कितनी देर मम्मा दृष्टि देती थी, कुछ होता था? कोई किसी की सदगति नहीं हुई। सदगुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में जब पार्ट बजता है, लास्ट में पार्ट है सदगुरु का, पार्ट चेंज होता है, सख्त पार्ट है। माना तो माना, नहीं माना तो कैंसिल। सदगुरु पावरफुल है। जैसे मधुबन वहाँ जैसे वाणी जो चलती है, बाबा जो ब्रह्मा बाबा आते हैं गुजरात देती है, तो जैसे बाबा ने कहा मैं यहाँ वर्तमान मुखर हाजिर हूँ, बाबा जी शिव बाबा ने कहा मैं 100 वर्ष तक मैं इस सृष्टि पर हाजिर हूँ, सदैव हाजिर हूँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, शिव बाबा बोले, इसका मतलब ये थोड़ी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो एक ही मूर्ति है, वो तो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति माने तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य करेगी ना। कभी ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा कार्य किया, कभी शंकर की मूर्ति के द्वारा कार्य करेगा, कभी विष्णु की मूर्ति के द्वारा कार्य। बाबा भी समझाते हैं सीधा सीधा मत समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, नहीं। रंग क्रम यह है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट क्रम से है ना, स्थापना है, हाँ, विनाश है। तो अब ये संगठन तैयार हो रहा है साकार में, एडवांस पार्टी का ये संगठन बिल्कुल जब कंप्लीट एक्यूरेट हो जाएगा, फिर विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। वैष्णो देवी वाली जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष में सारे परिवार को पालना करेगी, उसी का पार्ट होगा। आत्मा है को नहीं,
माने आपने कोर्स लेंगे तो यहाँ कोर्स जो दिया गया उसमें तीन मूर्तियों का जिक्र नहीं किया। जब हम कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्याला, तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला क्या कपड़े का झंडा है या कोई शरीर रूपी कपड़े हैं? वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा या कोई शरीर रूपी तीन कपड़े हैं? उसमें तीन देवों का है। तीन देवताएं हैं शरीर रूपी वस्त्र है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर। तो वो तीनों अभी मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? साकार में होने चाहिए। साकार में होने चाहिए। तो उनका परिचय आपको यहाँ दिल्ली में भी दिया नहीं गया? दिया गया ना। ब्रह्मा माने जगदम्बा, विष्णु माना वो आत्मा जो यज्ञ के आदमी जगदम्बा के साथ साथ माता के रूप में पार्ट बजा रही थी, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के अभी कोई ब्रह्मा कुमारी बनी हुई है। वो ब्रह्मा कुमारी जो है वो सारे यज्ञ में प्रसिद्ध है। प्योरिटी की देवी है। ज्ञान नहीं है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, ब्रह्मा कुमारियों को भी मालूम है, बहुतों को है। ब्रह्मा कुमारियां छुप छुप करके एडवांस की वीसीडी सुनती है, तो जो सुनती है उनको पता है कि लक्ष्मी का पार्ट किसका है। मुरली में बाबा ने बोला हुआ है, सन 66 की मुरली में बाबा ने बोल दिया था। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 5000 वर्ष पूरे होते हैं 76 में, तो 76 में लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माएं प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में और नारायण बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में, ये दोनों ही प्रत्यक्ष हैं। समझाने वाला चाहिए। वहां जाकर के ध्यान से सुनो, जहाँ कोर्स दिया जा रहा है वहां जाकर के ध्यान से सुनो। हमें माता पिता का तो परिचय होना चाहिए, नहीं तो हम बच्चे कैसे बन गए? सारी सृष्टि के माता पिता तो लक्ष्मी नारायण ही है ना। प्रैक्टिकल में शिव थोड़े ही माता पिता है। तो बीज वो किससे? हाँ, साकार में तो लक्ष्मी नारायण, साकार में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए, वो है अभी मौजूद इस सृष्टि पर। सारी दुनिया के लिए गुप्त है, हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने चाहिए। हाँ जी, ध्यान है? मालूम नहीं, नहीं मालूम है। तो वहाँ जाके अच्छी तरह ध्यान से सुनो, पूछो उनसे। हाँ, तो ज्ञान के आधार पर बताएं, सीधे सीधे बताएं, वो टीचर की गलती है। सीधे सीधे अगर कोई बताता है तो वो प्रूफ प्रमाण नहीं है। भट्टी करेंगे सब हो जाएगा। हाँ, भट्टी करने से आपको हो जाना चाहिए, पहचान होनी चाहिए माता पिता की, कि हमारे माता पिता कौन है। भट्टी करने सब हो जाए। और माताएं भी दो हैं, एक भारत माता और एक जगत माता। जगत माता है सब धर्मों की माता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसकी गोद में पलते हैं। जिसकी गोद में पलते हैं वो निमित्त बनने वाली आत्मा दिल्ली की होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में दिल्ली ही एक शहर ऐसा है जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। हर धर्म की आत्माओं ने दिल्ली की गोद में राज किया है, जैसे बच्चा माता की गोद में राज करता है। अब वो बच्चा खराब हो या अच्छा हो, माँ की गोद में सब राज्य करते हैं। तो हमें अपनी माता का तो जरूर ज्ञान होना चाहिए, बाप का भी ज्ञान होना चाहिए। भट्टी करने गए और माँ बाप का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर भट्टी का है कि हम बच्चे कहाँ बने? हाँ हाँ जी, फिर हम कहेंगे कि हम छोटे बच्चे हैं, शेषोवावस्था है, समझदार बच्चे नहीं बने।
हम तो समझदार बच्चे पैदा होना चाहिए, भट्टी में तब तक हटना नहीं चाहिए जब तक बहन जी पूरा क्लियर करके न बताए कि हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, छोटी माँ कौन है और बड़ी माँ जिसे हम दादी माँ कहते हैं वो दादी माँ कौन है। जगदम्बा है दादी माँ, जैसे राज परिवारों में राजा भी बैठता था गद्दी पर, रानी भी गद्दी पर बैठती थी साथ में, राजा रानी दोनों गद्दी पे बैठते हैं। आपने देखा होगा झांसी का सीरियल, देखा नहीं देखा है झांसी की रानी, तो उसमें गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई दोनों गद्दी पे बैठते, तो वो राजा रानी हुए, लेकिन राजा रानी के साथ साथ राजा की माँ भी गद्दी पे बैठती है बाजू में, वो हो गई राजमाता। राजमाता वैसे भी है, हमारे देश में वो है। हाँ जी हाँ, राजा का शासन चल रहा है। हाँ, तो राजमाता भी होती है, राजमाता भी है और उसका ज्यादा सम्मान होता है राजमाता। हाँ जी, राज नहीं करती है लेकिन सम्मान ज्यादा होता है। हाँ जी, तो ऐसे ही हमें राजमाता, हमारी जो ब्राह्मण परिवार की राजमाता है जगदम्बा, उसको भी पहचानना है और लक्ष्मी को भी पहचानना है जो हमारी माँ है, और नारायण को भी पहचानना है, ये हमारा परिवार। शिव तो निराकार है, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरे कोई संबंध बनते ही नहीं। तो वैसे के ऐसे शास्त्रों में भी लिखी कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा का सृष्टि करना तो लिखे ना, सृष्टि ब्रह्मा कैसे रची? ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में भी बाबा पूछते हैं ब्रह्मा ने रची तो ब्रह्मा का बाप कौन? और यहाँ क्लियर हो रहा है ब्रह्मा का बाप कौन? वही प्रजापिता। हाँ, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं, बाबा माने साकार, शिव माने बिंदु, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो हो जाएगा, आप अपनी अपनी संतुष्टि पहले करिए, कुछ जो बातें हैं संतुष्ट है, जो आपने बताया उसे ही जा गए हैं। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, शिव बाबा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धिमान बच्चों को उठाता है, बुद्धिमान बच्चों को राजा ही देके जाता है। ये दुनिया बुद्धों के द्वारा चलने वाली नहीं है, अभी जो सरकार में बैठे हुए हैं वो बुद्धू है। बाबा की मुरली के अनुसार बाबा ने बोला हुआ मुरली में, जब मैं आता हूँ, जब शिव बाबा आते हैं इस सृष्टि पर, तो दुनिया के बड़े बड़े लोग महामूर्ख बन जाते हैं। महामूर्ख माने बुद्धू, बाबा के बाद तो सारे बुद्धू ही है, क्योंकि उनसे तो सिद्धांत वही है। नहीं, सारे तो बुद्धू हैं, लेकिन बाबा प्रेफरेंस किसको देता है? बाबा तो कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है, तो ज्ञानी माने समझदार, समझदार माने बुद्धिमान। बाबा को पहचाने, बाबा को याद करें, बाबा की श्रीमत पे चले। ठीक है, बहुत बढ़िया, जैसलमेर से त्रिमूर्ति निकली। प्यार से एक आया नहीं है बाबा की। हाँ, पक्के रहना और रोज संगठित क्लास करना इकट्ठे होके, जब तक और दूसरी आत्माएं ना निकले, तीनों लोग रोज इकट्ठे होना, एक बार मुरली जरूर सुनना, टीवी में देखना जरूर, बस मजबूत बने रहेंगे। मैं रोज देखता हूँ अभी ना। हाँ, नहीं नहीं, अकेले नहीं, अब तीनों देखेंगे, तीनों लोग मिलकर के क्लास करने करेंगे। हाँ, तीनों देखेंगे, तीनों लोग इकट्ठे, क्या आने वाले थे, एक दिन की वो आया नहीं, एक भाई नहीं आ पाया। अच्छा, आप तीनों लोग नजदीक नजदीक रहते हैं? पास पास, कितना कितना दूर है? मैं से 5 किलोमीटर दूर हूँ। आप 5 किलोमीटर दूर हैं, और ये दोनों 20 किलोमीटर, ये दोनों नजदीक हैं। नहीं, हम
उनकी दुकानें पास में, दुकानें ना दुकानें दुकान होने की वजह से नजदीक है। दुकान नजदीक, मैं वैसे बाहर रहता हूँ। अच्छा अच्छा, माने तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते एक दिन में? इकट्ठे होते हैं, आश्रम आते ना, सात दिन में एक बार हो सकते हैं इकट्ठे? चार दिन में, गुरुवार को बीके का आश्रम आते हैं। बीके का आश्रम में जब आते हैं उसी समय एक घंटे का टाइम अलग से निकाल लीजिए, आपस में बैठ करके बाबा की मुरली सुनिए। पहले बाबा की याद में बैठिए आधा घंटा, आधा घंटा याद में बैठने के बाद मुरली अच्छे से समझ में आएगी। हाँ जी, अच्छे से मुरली जब समझ में आएगी ना तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, खुशी बनी रहेगी। इनको भी क्या तीन दिन कैसी थी तो उन्होंने देखी, जब उनका विचार हुआ हम जाके भट्टी करके आएंगे। ठीक है, मैं शाम को रोज देखता हूँ, शाम को सात से। ठीक है, थोड़ी बहुत आत्माओं की सेवा करते रहेंगे तो लिंक बना रहेगा यहाँ से। साल छह महीने में एक दो पार्टी आती रहेगी तो यहाँ से लिंक बना रहेगा, बस स्मृति पक्की होती रहेगी। और माता जी लंदन से? यूक्रेन लंदन ही है, इंग्लैंड। अच्छा, आप नजदीक हैं? दिल्ली सेंटर, गिलियन माता के सेंटर, गिलियन माता के सेंटर, गिलियन माता के सेंटर से। अच्छा अच्छा, आत्मिक स्थिति में कैसे रह सकते हैं? स्टार देखो, जिसको याद किया जाता है, जिसको याद किया जाता है, माँ बच्चे को याद करती है तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने बताया, हम आत्मा हैं, स्टार हैं, स्टार यहाँ भ्रकुटी में है, तो यहाँ स्टार को देखें। आत्मा की स्थिति प्रैक्टिस करें। टू सी द स्टार लाइक द मदर सीज द चाइल्ड एंड शी रिमेम्बर्स द फेस ऑफ द चाइल्ड, ना इन द सेम वे यू हैव टू रिमेम्बर द स्टार एंड देन यू विल बिकम, इट इज ऑन प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली एंड देन यू विल बिकम सोल कॉन्शियस। Especially when I'm sitting in meditation, I get disturbed by all various thoughts. याद में बैठती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट करने का। कई जन्म लिए है ना पीछे, पीछे 63 जन्म लिए है ना, तो 63 जन्मों की रील घूम रही है। वो 63 जन्मों की रील में हमारी आत्मा डिस्टर्ब होती रहेगी। हम देवभान में आते रहे, देवभान के हमने सुख भोगे हैं, वो देवभान हमको आत्मिक स्थिति से विस्मृति कराता रहेगा। It is because you are taken so many births, that is 63 births, na? So coming to body consciousness. 63 births you have been in body consciousness. So that you will keep remember. It takes time. So that will be conflict with them. But it is annoying. Practice, practice, practice. That is why practice. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। संस्कृत की गीता में बताया है, अभ्यास एन तो कौनते वैराग्य एन से गृहियते। इट इज सेड इन दैट संस्कृत गीता दैट इफ यू प्रैक्टिस यू कैन अटेन डिटैचमेंट और वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य। ये दुनिया जाने वाली है, इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं तो सब गए कि गए। फॉरगेट अबाउट दी प्रेजेंट वर्ल्ड देन यू विल रिमेम्बर, देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट एवर यू सी विथ योर आईज इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, सो यू आर नॉट टू बी अट्रैक्टेड थ्रू दैट वर्ल्ड। पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब है देहधारियों के साथ, वो रील घूमने के कारण हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी। इट इज बिकॉज ऑफ योर रीबर्थ ना, प्रीवियस बर्थ यू हैव अकाउंट्स विद सो मेनी सोल्स, सो दैट कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग। यस, बिकॉज इट्स एक्चुअली
quite discouraging. Because one day I sit and I have beautiful meditation, and the next day in the morning, for example, at 4 o'clock, I just can't concentrate at all. एक दिन स्थिति अच्छी रहती है, दूसरे दिन स्थिति डाउन हो जाती है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रील घूमती है, पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हैं तो खराब रील गड़बड़ गड़बड़ घूमती है और वो आपको डिस्टर्ब कर देती है। दिस इज द शूटिंग गोइंग ऑन ना, सो आर रील, इफ यू हैव डन गुड डीड्स द सेम शूटिंग अपीयर्स, द रील कीप्स ऑन गोइंग। हाँ यस, इफ यू हैव इन अ पास्ट इफ यू हैव डन बैड डीड्स द बैड डीड्स कम आउट। So yeah, it's just a cleansing process? Yes. It is actually, if you have done good deeds, the good deeds come and you are, this is good. Mm-hmm. You remain in soul conscious state. Otherwise you are disturbed. Yes. If your bad deeds emerges, then you are in soul body conscious state. You come and it disturbs you. It does, yes. But mm-hmm. how do you deal with it? I mean, because it's... Usko kaise handle karna, manam, उसको कैसे ये करना है? बार बार स्मृति मिलाना, बार बार स्मृति मिलाना कि हम पूर्व जन्म की खराब रील हमारी घूम रही है तो हम आत्म की स्मृति में टिक जाए, वो सब कैंसिल हो जाएगा। It's a bit like a boxing match. Mm-hmm. Soul consciousness on one side and then, you know, all those thoughts from the past coming. Kya? Boxing. Matlab boxing karne jaise hai. Ha, jhagda. Jaldi ek struggle hai. I know Baba used this in one of the movies, so that's why I said that. बाबा ये शब्द यूज करते हैं इसलिए उन्होंने भी यूज किया। हाँ लड़ाई है ना? हाँ लड़ाई है, लड़ाई है। हाँ ये गीता में एक श्लोक आया है कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, ये शरीर जो है एक क्षेत्र है, क्षेत्र माने युद्ध भूमि। दिस इज अ बैटल फील्ड, अ बॉडी इज अ बैटल फील्ड। अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प, ये दोनों का स्ट्रगल होता रहता है। अ बॉडी इज अ बैटल फील्ड and the good thoughts as well as the bad thoughts, they come and they have fight with each other. Is aakhri janam mein aakar ke sare past janmon ka acche aur bure sankalpon ka hisab kitab ikattha hota hai, pura struggle hota hai, mahabharat grah yuddh. Ye grah yuddh pehle sharir ke andar chal raha hai. In this last birth, the accounts of our good and bad thoughts of our previous birth, of all our previous births accumulate and a struggle takes place. This is Mahabharat civil war. This civil war takes place inside our body first. Struggle khatam ho jaye? Khatam. Paanch reh jayenge. Gyanendriya. Ye paanch gyanendriya jo reh jayenge, yehi paanch pandav. In the fight, everything will be over. Only the five sense organs will remain. Those are the five Pandavas overseas. Those are four? Five Pandav. Oh, right, yes. Yeah. Atma and ka controller hai. Soul is the controller of those five sense organs. Unme bhi teen mukhye hai. Yudhishthir, Bhim, Arjun. Three are main Pandavas, Yudhishthir, Bhima and Arjun. Man, Buddhi aur Sanskar. Unka controller hai Atma. Did you follow? No. Soul is a controller of Man, Buddhi and Sanskar. This is quite crazy because soul is, I was told, Sanskars and mind and intellect. It is a combination of all three. Combination of three, yes. माना मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहते हैं। कहते हैं, लेकिन बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए संस्कारों के ऊपर और मन के ऊपर। The intellect, there is a buddhi, it should control your mind as well as संस्कार, both. So intellect is trained through the हाँ, मन के ऊपर जब बुद्धि का कंट्रोल हो जाएगा
तो संस्कार बुद्धि के सहयोगी बन जाएंगे. When the intellect controls your mind, the sanskars also will help you. Intellect. Okay. Ayuddha khalas. The struggle will be over. The struggle finish. When? When? कब होगा पूछ रहे कब होगा. प्रैक्टिस करेंगे तो होगा. इस दुनिया से बैराग आ जाए तब होगा. बिन बैराग विवेक न होई. यू शुड बी डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड. व्हेन यू आर डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू डोंट हैव एनी अट्रैक्शन. और वैराग का बढ़िया कारण वही है, बढ़िया तरीका है, साकार में निराकार ज्योति विद्यु को याद करो, वैराग आता रहेगा. The best way to practice how to get detached from this world is you have to practice sakar me nirakar. Corporeal body of Shiv Baba. And the incorporeal soul. I am incorporeal soul. पर वो soul को याद नहीं करना. Corporeal soul को याद नहीं करना. Corporeal soul में incorporeal Shiv को याद करना. You have to remember the incorporeal soul in the corporeal body. Yes. That is the best practice to forget the world and get detached from this world. नहीं करेंगे स्ट्रगल चालू रहेगा. If you do not do it or you do not practice, the struggle will go on. I will do it in my report in 2 months time. मैं करूंगी और मैं रिपोर्ट भी करूंगी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी पोता मिल देंगे. अभी आप वहां वापस जाने के बाद लंदन में गिलियड माता के साथ डेली क्लास कर सकेंगे या वीकली क्लास करेंगे या मंथली करेंगे. मंथली फार अवे फ्रॉम ईच अदर. दूर है. महीने में एक बार करेंगे. महीने में एक बार करेंगे. टू एंड हाफ आवर बाय कार वन वे रेगुलरली. वंस ए मंथ. वंस ए मंथ रेगुलरली. लास्ट मंथ वी डिडंट डू इट बिकॉज संध्या माता वाज वेरी सिक. सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द क्लास टू द संगता एंड आई स्टेड विद संध्या माता एंड आई वाज टोल्ड दैट इट वाज रॉन्ग. आई शुड हैव गॉन टू संगता. लास्ट मंथ गई नहीं संगठन में क्योंकि अंतिम माता ज्यादा बीमार थी तो वो उनके साथ रही और संगठन में नहीं जा पाई. तो उनको बताया गया ये गलती की आपको संगठन में जाना चाहिए था. गलत था या सही था. रंग बाबा तो कहते हैं अपने को भी 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन क्लास अटेंड करना. बाबा सेज इफ यू आल्सो सफरिंग फ्रॉम फीवर यू हैव 106 डिग्री टेम्परेचर स्टिल यू हैव टू अटेंड द संगठन. ये तो अंतिया माता है. आप अंतिया माता को वाइब्रेशन से भी फोर्स दे सकते हैं. यू कैन हील हर थ्रू वाइब्रेशन ऑल्सो. वी लिव क्वाइट क्लोज टू ईच अदर अबाउट हाफ एन आवर बाय कार. सो वी मीट वंस अ वीक. दोनों आधा घंटे के अंतर में रहते हैं मतलब गाड़ी से आधा घंटे के अंदर. तो वो सप्ताह में एक बार मिलते हैं दोनों. हाँ वो भी आपस में मिलकर के दो मिलकर के भी आपस में रोज मुरली सुनते रहें तो भी संगठन क्लास साबित हो जाता है. यू टू बोथ ऑफ यू कैन मेक अ संगठन क्लास एवरी डे. इट्स नॉट पॉसिबल. वंस अ वीक. रोज आई ट्राई टू वाइस अ वीक बट आई हैव लॉट्स ऑफ बॉन्डेज एट होम. घर में बंधन है इसलिए रोज नहीं कर पाते. परिवार है. Your family. Family. I have father-in-law who is very sick. I have to take care of him. So it's kind of, and we've got. I have to run the house, and it's. It is an hour both ways to get there. So it is quite a long time for me. Where I go, the bonds tootenge. When you have detachment, all your bondages will be broken. I know. It's kind of. Anyhow. Yes. Better an excuse. I'll try.
एंथिया माता आई थी यहाँ, वो एंथिया नहीं, वो गिलियन माता, वहाँ सेंटर बनाओ, मकान देंगे, मकान। जिलियन माता had come here, she wanted to open a center there, that's Mini Madhuban. Yes. She's ready to give a house for it. Jilian Mata? Yes. It's in India, I think. No, but... Baba ne kaha, 15-20 aatmaon ka regular sangathan tayyar karo pehle. Uske baad Baba aayenge. Baba said, prepare a regular gathering of at least 15 to 20 souls. Then only Baba will come. फिर वहाँ सेंटर बना देंगे। Then only Baba will be ready to open a center there. Okay, we'll work on it. हाँ। हाजिर रजिस्टर बनाइए, तैयार करिए, उसमें अपने अपने साइन करिए, बाबा को प्रूफ चाहिए। Yes, you have to maintain attendance register, and Baba will see the proof of 15 to 20 students every day. But once a month, yes? It's a no, daily. Every day. Oh, my God. जो दूर है उनके लिए वीकली चलेगा, बहुत दूर है मंथली भी चलेगा. Those are far off, they can come once a month. Those I can come daily or once a week. लेकिन मंथली कम से कम एक संगठन तो मजबूत होना चाहिए. But there should be at least one strong gathering every month. अभी 20 आत्मा हैं भी, लेकिन सब आपस में. There are 20 souls there, isn't it? But yes, but all, maybe not 20. But they are all scattered. All over the place. हाँ, they are scattered. All over in London. Eight of us in our group. Our group has 8 people, but there is five long hand people like one. एंटी के ऊपर आठ लोग हैं, वो भी रेगुलर नहीं है. But unfortunately we do it quite far away from each other. But we will work on it. कोशिश करेंगे. हाँ जी, हाँ जी. सर्विस करने से हो जाएगा, संगठित सर्विस करने से सेवा का रिजल्ट जल्दी निकलेगा. Selective service will bring quick results. Does Baba think that it is possible that there is much more many souls still waiting in grants to be awoken? Because England is very irreligious country. It's kind of, you know, very... Yes, it's very... England mein dharmik ye nahi hai, desh nahi hai, toh wahan se aur bhi souls niklenge, kya pooch rahe hain. निकल सकते हैं. इंटेलेक्चुअल तो है, धार्मिक नहीं है तो क्या हुआ? ये तो हाँ. इवन दो दे आर इरिलीजियस, दे आर इंटेलेक्चुअल, सो दे कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज. धार्मिक नहीं है, अंधश्रद्धालु तो नहीं है. धार्मिक भले न हो, अंधश्रद्धा वाली न हो ना. They are not religious. They do not have blind faith either. It doesn't matter if they are not religious, but they should not be superstitious. They should have faith. Then they can understand the knowledge. You mean faith in God? Mana shraddha, Bhagwan ke upar shraddha pooch rahe hain. Shraddha, Bhagwan ke upar shraddha na bhi ho, to bhi kam se kam intellectual ho, sachi baat ko manne wali ho. If they have faith in truth. अंधश्रद्धा वाली न हो. Truth. Blind faith वाली न हो. Blind faith, no truth. अगर blind faith वाली नहीं है तो भी इस ईश्वर ज्ञान को समझ सकती है. If they have no blind faith, have faith in truth and they are intellectual, then they can understand the knowledge. Not if I haven't remembered. इनको पर्सनल बात कर लेने दीजिए. आप लोगों की कोई पर्सनल बात तो अभी है नहीं. हाँ तो बैठिए यार.